हिमाचल अभी .com से मैं शालिनी ठाकुर पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 5400 पार, 4 संक्रमितों की गई जान। पीएम मोदी 29 सितंबर को करेंगे अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन। हिमाचल को केंद्र से मिलेंगे 1200 करोड़, जयराम सरकार जल्द भेजेंगे प्रस्ताव। मंडी व सोलन को नगर निगम का दर्जा देने की कवायद के बीच राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी। सरकार ने एसएमसी की जगह रेगुलर शिक्षकों की भर्ती के लिए हाईकोर्ट से मांगी छूट। कुलदीप सिंह राठौर का आरोप, विकास के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल में 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। प्रशिक्षण केंद्रों में भेजे जाएंगे सेना भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 84 मामले सामने आए हैं। आज 4 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। इनमें 2 जिला सिरमौर, 1 ऊना व 1 जिला किन्नौर से है। आज संक्रमण के जो मामले सामने आए हैं उनमें सिरमौर से सबसे अधिक 36, हमीरपुर से 18, ऊना से 11, चंबा से 10, कांगड़ा से 4, मंडी से 3, लाहौल स्पीति व शिमला में 1-1 मामला सामने आया है। आज अब तक 64 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। इसमें कांगड़ा से सबसे अधिक 32, ऊना में 13, सिरमौर में 9, चंबा में 7 व सोलन में 3 ठीक हुए हैं। हिमाचल में कुल आंकड़ा 5410 पहुंच गया है। अभी 1453 एक्टिव केस हैं। अब तक 3887 लोग ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज अब तक 2209 सैंपल जांच को आए हैं। इसमें 226 नेगेटिव रहे हैं। अभी 1948 की रिपोर्ट आनी बाकी है। आज के सैंपल से 36 पॉजिटिव मामले हैं, बाकी पेंडिंग सैंपल से हैं। अटल रोहतांग टनल के उद्घाटन की तिथि तय हो गई है। अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन 29 सितंबर को प्रस्तावित है। पीएम नरेंद्र मोदी टनल का शुभारंभ करेंगे। यह जानकारी तकनीकी शिक्षा मंत्री व लाहौल स्पीति के विधायक डॉक्टर रामलाल मरकंडे जी ने दी। उन्होंने बताया कि पीएम कार्यालय की तरफ से हिमाचल सरकार को 29 सितंबर उद्घाटन के लिए प्रस्तावित तिथि बताई गई है। सब ठीक रहा तो 29 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि उद्घाटन से पहले सीएम जयराम ठाकुर 28 अगस्त को टनल का निरीक्षण करेंगे। 3200 करोड़ की टनल बनने से लाहौल स्पीति से मनाली की दूरी 47 किलोमीटर कम हो जाएगी। वर्ष भर सेना व लोगों के लिए टनल खुली रहेगी। ऐसे में बर्फबारी के दौरान अब लाहौल स्पीति को 6 माह बंद होने का दंश नहीं झेलना पड़ेगा। सामरिक सृष्टि से भी अटल रोहतांग टनल का महत्व अलग है। टनल बनने से लेह तक पहुंचने के लिए सेना को 12 महीने आसानी होगी और लाहौल घाटी भी शेष विश्व से जुड़ी रहेगी। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्रीय कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और हिमाचल प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने वीरेंद्र कंवर को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया तथा कहा कि हिमाचल को 1200 करोड़ रुपए विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द से जल्द प्रस्ताव केंद्र को भेजे ताकि आगे की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाया जा सके। इससे पहले कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्रीय मंत्री से ऊना में आलू व मक्की, सिरमौर में अदरक पर आधारित उद्योग लगाने को केंद्र सरकार से सहायता मांगी। साथ ही उन्होंने किसानों के उत्पाद को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएं जुटाने को भी कहा ताकि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हो सके। सोलन व मंडी को नगर निगम का दर्जा देने की सुगबुगाहट के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार सरकार द्वारा मंडी और सोलन नगर परिषद को नगर निगम में अपग्रेड करने के चलते पुनर्सीमांकन व वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया को रोका गया है। आगामी आदेशों तक यह प्रक्रिया रोकी गई है। आयोग की अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डिलिमिटेशन व आरक्षण प्रक्रिया को नगर निगम का दर्जा मिलने तक अगले आदेश तक रोका जाए। इस अधिसूचना के बाद अब मंडी व सोलन प्रशासन को इस पर अमल करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव एसएस राठौर ने बताया कि 19 अगस्त को सरकार ने आयोग को सूचित किया था कि मंडी व सोलन को नगर निगम अपग्रेड करने की प्रक्रिया चल रही है।
इसी के मद्देनजर गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई है। उनका कहना था कि सरकार ने मंडी व सोलन को नगर निगम का दर्जा देने का फैसला लिया है, लेकिन इसकी घोषणा नहीं हुई है, लिहाजा अधिसूचना केवल डिलिमिटेशन व वार्डों के आरक्षण के मद्देनजर की गई है, क्योंकि यह प्रक्रिया इस समय चल रही है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। राज्य सरकार ने एसएमसी की जगह रेगुलर शिक्षकों की भर्ती करने के लिए हाईकोर्ट से छूट मांगी है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से हाईकोर्ट को पत्र लिखा गया है। इस दौरान प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि शिक्षकों की रेगुलर भर्ती करना इतनी जल्दी संभव नहीं है। कारण यह है कि कोर्ट ने पहले से ही EWS और BPL कोटे के मामले की वजह से भर्तियों पर रोक लगाई है। ऐसे में सरकार रेगुलर शिक्षकों की भर्ती मामले पर अंतिम फैसला न आने तक नहीं कर सकती। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। कोर्ट में EWS व BPL कोटे का मामला होने की वजह से सरकार स्कूलों में विभिन्न पदों पर शिक्षकों के 4500 पदों की भर्तियां रुकी हुई हैं। फिलहाल सरकार ने हाई कोर्ट को लिखे गए पत्र में कहा है कि अब इस एकेडमिक सेशन को ऐसे ही चलने दिया जाए। वहीं जिन स्कूलों में SMC शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनकी सेवाओं को भी कुछ समय के लिए जारी करने दिया जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद यह तय होगा कि SMC शिक्षकों का 8 माह का रुका हुआ वेतन जारी किया जाएगा या नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सीएम जयराम ठाकुर पर विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में बनी और शुरू हुई योजनाओं को जयराम सरकार अपना बताकर पट्टिकाओं को हटा रही है और उसके स्थान पर अपने नाम की नई पट्टिकाएं लगा रही है। बीजेपी सरकार यह सब करके लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ रही है। राठौर ने सीएम जयराम ठाकुर द्वारा ठेव के पराला में सब्जी मंडी एवं सीए स्टोर्स, शिलारू में फल एवं सब्जी उपमंडी, रोहडू के मेहंदली में उपमंडी, ढली में फल एवं सब्जी मंडी के आज किए गए शिलान्यासों पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि यह सब फल मंडियां पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में इसके निर्माण शुरू किए गए थे और इनके विस्तारीकरण की एक नियमित प्रक्रिया है। ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर द्वारा आज इनके फिर से शिलान्यास करना एक तरफ जहां लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नियमित परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट, श्रेणी सुधार और अतिरिक्त विषयों की अनुपूरक परीक्षाएं सितंबर माह में होगी। ये परीक्षाएं 15 से 21 सितंबर तक दो चरणों में होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 15 से 19 सितंबर और जमा 2 की 15 से 21 सितंबर तक रहेंगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि परीक्षाएं दो चरणों में होंगी। सुबह 8:45 से सायं 12 और दोपहर 1:45 से 5 बजे तक परीक्षा होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। इसके साथ ही राज्य मुक्त विद्यालय की 8वीं, 10वीं और जमा 2 श्रेणी की परीक्षाएं सितंबर माह में प्रातःकालीन स्तर में सुबह 9:45 से 12 बजे तक होंगी। 8वीं एवं 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 15 से 22 सितंबर और जमा 2 की परीक्षाएं 15 से 26 सितंबर तक होंगी। सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर ने सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर ट्रेडमैन
और सोल्जर क्लर्क SKT की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनके प्रशिक्षण केंद्रों में भेजने की तिथियां घोषित कर दी हैं। यह परीक्षा 19 जनवरी 2020 को चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय में पालमपुर में हुई थी। इसमें उत्तीर्ण उम्मीदवारों को कोरोना महामारी के चलते मार्च में उनके प्रशिक्षण केंद्रों में नहीं भेजा गया था। अब इन उम्मीदवारों को प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाएगा। सभी उम्मीदवारों को भर्ती कार्यालय में अपने मूल दस्तावेजों एवं 20 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ सुबह 6 बजे पहुंचना होगा। ये उम्मीदवार उसी दिन प्रशिक्षण केंद्रों में भेजे जाएंगे। उन्हें अपने साथ मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर और खाने पीने का सामान लाना होगा। 5 सितंबर को सोल्जर जनरल ड्यूटी रोल नंबर 2582 से 2873 जम्मू कश्मीर राइफल सेंटर जबलपुर को आना पड़ेगा। 8 सितंबर को जम्मू कश्मीर राइफल सेंटर जबलपुर सोल्जर जनरल ड्यूटी रोल नंबर 2879 से 3171 सोल्जर ट्रेडमैन 10वीं पास 54,677 से और असम रेजिमेंट सेंटर शिलोंग सोल्जर ट्रेडमैन से रोल नंबर 54,563 से और सोल्जर क्लर्क SKT रोल नंबर 47,125 से आना होगा। 14 सितंबर को RT सेंटर हैदराबाद सोल्जर जनरल ड्यूटी रोल नंबर 2349 से 3165 को रिपोर्ट करना होगा। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।